गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, 6.2 स्टार्ट करते हैं आज। एक क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, सबका हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिखा है जिसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। बेटा, इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना होगा। हम लिखेंगे नंबर 4.57 × 10^5। इट मीन्स हम 5 टाइम 0 लिखेंगे यहाँ। ठीक, 5 टाइम 0 लिखेंगे। ये हो गया हमारा 1 लाख। 4.57 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, यहां पर आपको जो डेसिमल लगा हुआ है राइट साइड से, आपके 2 डिजिट डेसिमल लगा हुआ है राइट साइड से, आप 2 डिजिट डेसिमल लगा हुआ है। तो इसका जो 00 है, ये 00 इस डेसिमल को हटाने में यूज होगा, बाकी 3 जीरो हम यहाँ साइड में लिखेंगे। और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 4.57। अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये जो आपका डेसिमल लगा है आफ्टर 2 डिजिट राइट साइड से, ये हट जाएगा। तो इसको हटाने के लिए ये 2 डिजिट पर लगा, इसलिए 2 जीरो यूज होंगे, बाकी 3 जीरो बचेंगे। तीनों को हम ऐसे साइड में यहाँ पर लिख लेंगे। ये हमारा यूजुअल फॉर्म हो गया, यही आंसर हो जाएगा। सेम यहां भी करना है, ये हो जाएगा 8.9 × 10^4। इट मीन्स हम 4 टाइम 0 लिखेंगे यहाँ पर। अभी देखना है यार, जो डेसिमल लगा हुआ राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट लगा हुआ है, तो इसका 1 जीरो इस डेसिमल को हटाने में यूज होगा, बाकी 3 जीरो साइड में हम लिख लेंगे। और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेम नंबर आएगा, और यहाँ 3 जीरो हम लिखेंगे ऐसे। ये 1 जीरो इस डेसिमल को हटाने में यूज हुआ, बिकॉज डेसिमल जो है राइट साइड से आफ्टर 1 डिजिट लगा हुआ है। ये आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सी पार्ट सेम सॉल्व करना है। 2.475 × 10^6 है, तो यहाँ हम 6 टाइम 0 रखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं राइट साइड से 1, 2, 3 आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लगा है। 3 डिजिट डेसिमल आपने 3 डिजिट डेसिमल लगा तो यहाँ पर 3 जीरो जो होगा इस डेसिमल को हटाने में यूज होगा, बाकी 3 जीरो हम साइड में से लिख लेंगे। तो 2, 4, 7, 5, ये 3 जीरो इस डेसिमल को हटाने में यूज हुआ, डेसिमल हट गया यहाँ से। 1, 2, 3, बाकी 3 जीरो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट द अर्थ हैज 1.347 जीरो क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। बेटा, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें डेसिमल का यूज करना होगा, और डेसिमल जो होगा ये आफ्टर 1 डिजिट लगेगा लेफ्ट साइड से। यहाँ पर 1 के बाद हम डेसिमल यूज करेंगे, जिसको हम पहले लिखते हैं। जो नंबर लिखा है सॉल्यूशन 1.347 जीरो। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम 10^10 में लिखेंगे, और यहाँ पर डेसिमल भी यूज करना है। ये हो जाएगा 1.347 × 10^10। डेसिमल मैंने यहाँ पर यूज किया है,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर डेसिमल अपनी तरफ से लगा सकते हैं ऐसे। जैसे डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, अब डेसिमल जो है शिफ्ट हो रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो डेसिमल है वो 9 टाइम शिफ्ट हुआ है इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो हम क्या करेंगे 10 to the power 9 लिखेंगे, ठीक है। और ये डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे तो 1.347 × 10 to the power 9 होगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। बाकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब बाकी के क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने होंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके बेटा, वीडियो भेज देंगे अभी ना हम, आप लोग वीडियो वॉच किया करो, जब बोर्ड नहीं दिखता है तो वीडियो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, प्लीज आप लोग वहां से वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ए 8 है, बी 4 है, सी 11, डी -3। एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट नंबर आपका है 8, 8 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है बेटा, तो कैसे करेंगे यहाँ आपको ध्यान से देखना है। 8 का स्क्वायर हम लिखेंगे 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा आप 8 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जो 64, ये आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर है 4, इसको सॉल्व करना है, 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4 होगा, 4 4 जा 16 आएगा, ये आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सी पार्ट है, यहाँ भी आपको सॉल्व करना है ऐसे ही, 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, लिखेंगे 11 × 11, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा। नेक्स्ट नंबर है -3, -3 का स्क्वायर करना है, लिखेंगे -3 × -3, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट इसका मल्टीपल ऑफ 3 अप टू
16। यहां देखना ध्यान से बेटा, इसका फर्स्ट पार्ट बताएंगे भी आप लोग करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फर्स्ट पार्ट इसका है मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 6। तो आपको मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 6 लिखना है। देखते हैं कौन कौन से नंबर होंगे। यहां लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 16, सॉरी 6 मैंने बोला था, मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 16 कौन कौन से मल्टीपल होंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये हमारे मल्टीपल होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे 16 तक ना, 15 होगा लास्ट इसका मल्टीपल। तो हमें 3 का स्क्वायर फाइंड करना है ना, अब इन सबके स्क्वायर फाइंड करने हैं। अब देखना 3 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 कितना आएगा, 9 हो जाएगा। फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 6 इंटू 6, 6 6 जा 36 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, ये 9 का स्क्वायर तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, कितना आएगा, 9 9 जा 81, ये हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर 12 है, अब 12 को स्क्वायर करेंगे तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा। 15 का स्क्वायर करना है तो 15 इंटू 15 कितना आएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर तो 225 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना, ये आंसर आएगा इसका। नोट कर लीजिए बेटा आप लोग जल्दी से इसको। नोट हो गया, नीचे वाला नहीं रीच करेंगे। सभी पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1392 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखना ध्यान से, फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 1392 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको बताना है कि हम 1392 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं लिस्ट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 1392 को ब्रेक करना होगा। ठीक है, इसका पेयर बनाना होगा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करेंगे। 1392 तो ये होगा 2 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 12, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 2 8 2 जा 16, 1 कैरी होगा, 7 2 जा 14, 87 हो जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या होगा यहाँ पर,
87। यहाँ देख पा रहे हैं पेयर बन रहा है, 2 और 2 का पेयर, 2 और 2 का पेयर बन रहा है, बट 87 का पेयर नहीं बन रहा है ना। तो लीस्ट नंबर क्या होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, वो 87। बिकॉज यहाँ 87 टू टाइम्स आना चाहिए था लेकिन सिंगल टाइम आया। देखिए 2 2 बार आया यहाँ पर इस पेयर में, इस पेयर में भी टू टाइम से पेयर ही बनता है 2 का, बट यहाँ पर 87 सिंगल है। तो यहाँ पर 87 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लीस्ट नंबर क्या होगा जिससे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 87। तो लिखेंगे 87 इज द लीस्ट नंबर बाय विच वन थ्री नाइन टू टू मल्टीप्लाइड द लीस्ट नंबर 87 द लीस्ट नंबर बाय विच दिस मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा बेटा, 87 होगा, ये हमारा 87 आंसर हो जाएगा। नोट हो गया, इरेज कर दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाई वाट लिस्ट नंबर मस्ट 1350 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बाय व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट 1350 बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बताना है इसको हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे। 1350, 2 से 6 2 12, 7 2 15, 5 2 10। फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15। फिर आप ये आपका ये 3 से करेंगे, 7 3 21, 3 5 15। फिर 3 से करेंगे 25 आएगा, फिर अभी 5 से जाएगा, 5 5। ठीक, ये हो गया हमारा। अब लिखेंगे 1350 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं 5 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन ये जो एक 3 है और एक 2 है इनका पेयर नहीं बन रहा है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 3 6। और अगर इस नंबर को हम 6 से डिवाइड करेंगे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बनाए लिखेंगे यहाँ लीस्ट नंबर बाई विच 1350 टू बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट
इज इक्वल टू कितना होगा, टू और थ्री को मल्टीप्लाई कर दे तो टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा, ये सिक्स हमारा आंसर है। नोट हो गया, तो ओके बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके हम क्लास को लेफ्ट कर रहे हैं।